सलमान खान के दोस्त को मिली बेल। कौन है ये दोस्त? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री से है? कौन है ये दोस्त और किस केस में मिली बेल और कितने एक साल बाद कैसे मिली बेल? इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। कौन है ये और कैसे मिली बेल और क्या पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज और क्या क्या हुआ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से प्लीज एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, हो सकता है शायद यहाँ से मुझे जंगल जाना पड़े और वापस से वहां से मैं कहाँ जाऊँ, ऊपर जाऊँ, कहाँ जाऊँ पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो तो नहीं आप हेल्प कर सकते, लेकिन एटलीस्ट एक रिक्वेस्ट तो कर लो सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा प्लीज। आगे मैं इस वीडियो में बता देता हूँ आपको कि सलमान खान के कौन दोस्त है। यस, बॉलीवुड इंडस्ट्री से सलमान खान के एक दोस्त है। करीब करीब अप्रोक्सीमेट एक साल पहले मैंने ही खबर दी थी आप लोगों को, किसी गार्डन में मैं बैठा हुआ था, मुझे याद है कि किसी बॉलीवुड एक्टर को, सलमान खान के दोस्त को अरेस्ट किया गया बाय NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से। सुबर्बन अंधेरी में उनका घर था और घर की तरफ से ड्रग्स बरामद की और उनको अरेस्ट किया गया और तब से लेकर अब तक वो जेल में थे। अब सुप्रीम को हाई कोर्ट ने उनको बेल दी है 1,00,000 रुपए जमानत जमा करने के बाद। कौन है ये एक्टर? अरमान कोहली। अरमान कोहली आपको पता होगा, बहुत पहले अपना खुद हीरो बनने के लिए उन्होंने ट्राई किया था, जिसकी एक फिल्म औलाद के दुश्मन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थी, एक फिल्म जानी दुश्मन जो बहुत सारे हीरो हीरोइन के साथ थी, जिसमें वो नाग बने थे, इच्छाधारी नाग। और ये बाद में उनका कलाकार वाला एक्टिंग वाला काम चला नहीं, तो बिग बॉस में आए थे, उसके बाद सलमान के साथ दोस्ती हुई, उसके बाद प्रेम रतन धनपायो सलमान खान की फिल्म, सूरज बड़जात्या जो डायरेक्टर थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई थी, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, विवाह और सूरज बड़जात्या की बात कर रहा हूँ मैं, सलमान खान की नहीं, सूरज बड़जात्या ने ये फिल्म डायरेक्शन में दी थी, जो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म थी, जिसमें प्रेम रतन धनपायो में सलमान खान के साथ अरमान कोहली जो एक्टर थे, विलन का रोल उन्होंने निभाया था। वो एक्टर पिछले साल ड्रग केस में NCB ने उनके घर से ड्रग्स बरामद की और एक साल तक अभी तक फिलहाल कस्टडी में थे, लेकिन अभी आज हाईकोर्ट ने उनको बेल दी है 1,00,000 रुपए जमा करने के बाद। अब यह माना जाता है कि ये बेल मिलने के बाद वो वापस से अपने काम पे लग जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी, कोर्ट फिर फैसला चलता रहता है कोर्ट का और NCB एक्ट के थ्रू। मुझे नहीं लगता एक बार बेल होने के बाद वापस कभी किसी को सजा होती है, पहले तो बेल होना, क्योंकि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, नुकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, इनके ऊपर तो चार्जेस यही नहीं हुए, चार्जेस यही नहीं हुए, साबित ही नहीं हुए, क्योंकि माल सिर्फ वर्ड था व्हाट्सएप चैट में, जिसकी वजह से साबित ही नहीं हुए, तो फिर वो तो उनके ऊपर तो केस ही फाइल नहीं होता है। लेकिन आर्यन खान के ऊपर जब केस फाइल हुआ, वो भी उसमें कुछ था नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी जब केस फाइल हुआ, जब बेल मिली, तो उसके बाद अब मुश्किल है। तो ऐसे ही अरमान कोहली जब बेल मिल गई, बाहर आ गए, तो अब मुश्किल है। कोर्ट में केस चलता रहता है, कोर्ट की बात अलग, कोर्ट में केस चलता रहता है, मीडिया में न्यूज़ आती रहती है और चीज़ें चलती रहती हैं, जो मीडिया में न्यूज़ आती है उसको अगर TRP मिल गई, उसको अगर ऑडियंस मिल गई, पावर मिल गई, तो वो चलती रहती है, वरना वो वहीं पर ड्रॉप हो जाती है। तो डिपेंड करता है अब ये क्या है, ये न्यूज़ आई है रिपोर्टर्स की तरफ से, यहाँ तक कि अब थोड़ी देर में शायद गूगल पे भी आ जाएगी, और ये सब चीज़ें होने के बाद अरमान कोहली को बेल मिल गई और 2-3 लोग है अभी भी अंदर, उसके बारे में मैं बताऊंगा जल्दी ही, अगर उनको बेल मिलती है या रिजेक्ट होती है क्या होता है। लेकिन 1,00,000 एक बहुत बड़ी छोटी मेरे हिसाब से, उस हिसाब से अरमान कोहली के पास काफ़ी पैसे है, वो आराम से दे सकते थे, लेकिन इस वजह से नहीं, जब तक हाईकोर्ट नहीं बोलता है आपको बेल, तब तक आपको बेल नहीं मिलती। तो अब बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, बिग बॉस के कंटेस्टेंट फाइनल हो चुके हैं और इसी वक्त अरमान कोहली भी वापस आ चुके हैं, शायद अरमान कोहली तो नहीं होंगे बिग बॉस में, शायद नाम तो नहीं है उनका, लेकिन वी नेवर नोस क्या होता है रियलिटी शो और कंटेस्टेंट में। तो यही है सलमान के दोस्त अरमान कोहली, जो जिनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अरेस्ट किया गया था एक साल पहले, जो उनके घर से ड्रग्स बरामद हुई थी, अब वो बेल पे बाहर आ गए हैं 1,00,000 रुपए की जमानत देके। यह बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है, यही खबर है, और ऐसे ही खबर के साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, सच का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सच के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए सच को कुर्बान नहीं किया जा सकता।